प्रेम प्रसंग के चलते अजमेर से इंजीनियरिंग छात्र के आरोपी को अजमेर पुलिस ने कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। अजमेर पुलिस ने मामले में तुरंत फूर्ति दिखा आरोपी युवक और उसकी कार भी जब्त कर ली। रविवार को अजमेर में उस वक्त हंगामा मच गया जब आदर्श नगर थाना इलाके से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे एक छात्र का अपहरण करने का मामला सामने आया। घटना में छात्र के साथ मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद अजमेर पुलिस ने तुरंत फूर्ति दिखा मामले की जांच शुरू कर दी। घटना के कुछ घंटों के बाद ही अजमेर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अजमेर पुलिस ने मारपीट और अपहरण की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस ने पत्रकारों को बताया कि मारपीट और अपहरण के इस मामले की वजह छात्र रचित का प्रेम प्रसंग था। आपको बता दें कि अपहरण की वारदात आशनगर थाना क्षेत्र के खनिज नगर में रविवार सुबह हुई थी, जहां एक पीजी में रहने वाले छात्र रचित को, जो कि हरियाणा निवासी है और अजमेर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, उसका अपहरण कर लिया गया था। आज मैंने ये प्रेस जो बुलाई है, ये दो चीज़ों का खुलासा करने के लिए बुलाया मैंने। एक तो पहले आप लोगों को पता है कि आदर्श नगर के बालूपुरा इलाके में हमें 10 बजे सुबह एक इत्तला मिली थी कि कोई एक व्यक्ति है जिसको दो लोग मिल करके मार रहे हैं और एक गाड़ी में बैठा करके ले गए। इस बात पे हमारी पुलिस मौके पे पहुंची और हमें पता लगा कि कोई एक व्यक्ति हरियाणा का रहने वाला है, जो यहाँ पर एक महीने से आया हुआ है और किराए के कमरे में रह रहा है। उससे दो व्यक्तियों ने मारपीट की और अपनी एक वाइट कलर की कार पे बैठा करके लेके चले गए। इसी पे हमने अब अपने मुखबिर को और स्ट्रॉन्ग करते हुए पता लगाया कि जो दो व्यक्ति इन्वॉल्व थे वो भी हरियाणा के ही हैं, उसी गांव के महेंद्रगढ़ के, और गाड़ी जो इन्वॉल्व है वो वाइट कलर की वरना है। इस पे और विशेष जांच करते हुए गाड़ी का नंबर, मालिकाना और उनका डिटेल्स पता करके मोबाइल नंबर निकाला, उसके आधार पर लोकेशन वगैरह निकाल करके उन तक पहुँचे, उनके परिवारजनों तक पहुँचे और हमने फिर सिटी से उनको पकड़ लिया। पूछताछ करने पर यह सामने आया कि जो विक्टिम था उसका नाम रक्षित है, महेंद्रगढ़ का रहने वाला, हरियाणा का। यहाँ पर पढ़ाई के मामले में आया था, आया उसे ज़्यादा दिन नहीं, करीब 15 दिन ही हुए थे, और ये इस लड़की के चक्कर में आया था जो उसकी प्रेमिका है, नाम दिव्या है। और दिव्या के जो पिताजी हैं उनको ये बात जची नहीं, शायद उन्होंने दो तीन बार रोकने की कोशिश की होगी, लेकिन वो पुलिस के पास नहीं आई, ये उनकी गलती थी। और अपने लेवल पे सब हैंडल कर रहे थे, पहले बोलचाल हुई, फिर हाथापाई हुई और शायद बातें इतनी हद तक बढ़ गई कि फिर उनको उठा करके अपनी गाड़ी में ले करके सतीश और उनके भाई सुनील दोनों उनको उठा करके गाड़ी में ले करके चले गए। थोड़ी बहुत मारपीट की है, खून भी आया है थोड़ा बहुत, और आगे पूछताछ इस मार्ग में जारी है। सर, अभी जो रक्षित है, घायल होता है, उसकी हालत कैसी? इतना कोई मेजर घायल नहीं है, उसे ज़रूर मारा पीटा गया है, जिसे शायद थोड़े मुंह से खून आया है, लेकिन अभी भी चल फिर रहा है और नॉर्मल बात कर सकता है। ये लोग सिटी के आसपास ही घुमा रहे थे, बीच में एक बार खबर आई थी कि मांगलियावास तरफ भी ले गए, लेकिन बीच में उसे शायद समझ में आ गया कि पुलिस इस चीज़ में इन्वॉल्व है, और उसे इतनी समझदारी ज़रूर दिखाई कि वो वापस सिटी की तरफ आ गया और उससे ज़्यादा फिर मारपीट करने की आगे उसने नहीं की, जो पूछताछ में सामने आया है।